ये खातून इस पार्क में सोती है, यहाँ पर ही पकाती है, खाती है और यहाँ भी कपड़े धो के सूखने डालती है और करती है ये नशा आइस पाउडर। इसकी ये शिकायत भी है कि मेरे कपड़े चोरी हो जाते हैं। पांग कुट के पानी दे और गुटरी बना के तो तागा लपेड़ के सादे पानी में डोब डोब असर कढ़ी जाओ कढ़ी जाओ कढ़ी जाओ आपे बूटी तैयार हो जाती है, उन्हें मीठा रंग पाओ इन्हें ग्रहण करके पाए हुए चोरी करके। हाँ बंदा सुते दो चैनल वे छड़ दो बुढ़ी सुती थी तो पनेर भी तेंडर वे भी छड़ पूरा सूट है तो सारा को ला के ले गया अंदर चोर। इतनी सी पीती हूँ चार दिन उसका असर ही नहीं उतरती है। चार दिन आइस वाइट का वो छोड़ दिया। वो छोड़ दिया बगैरत करने वाला नशा है, उसके पीछे भागना पड़ता है बहुत भागना, फिर मिलता भी नहीं है। मैंने कहा बूटी तो हर जगह से मिल जाती जहाँ से मर्जी ग्रहण करो। ये खातून इस पार्क में सोती है, यहाँ पर ही पकाती है, खाती है और यहाँ भी कपड़े धो के सूखने डालती है और करती है ये नशा आइस पाउडर। और ये इसकी ये शिकायत भी है कि मेरे कपड़े चोरी हो जाते हैं। कपड़े कौन चोरी करके ले जाता है? ये जो हमारे साथ फिरते फेरी वाले मांगने वाले बेचने वाले पाउडर बेचने वाले डीलर पीने वाले सब लंगड़े लुले हमारे कपड़े उठाते हैं। मैं तो दो दो के थक जाती हूँ। दो दो के इसके कपड़े हैं? ये हमें भी मिलते हैं नहीं, खामन दे दोनों मियाँ बीवी सोते हो पार्क में। ये सब मेरी ही है, मेरे मियाँ की है। ये पार्क घर है तुम्हारा, इस टाइम महल है। जी जी यही यहाँ पे ही खाना पीना कपड़े धोने मरना भी इधर ही है। मरना भी इधर ही है। सोचा हो इधर ही मरेंगे इंशाल्लाह। अच्छा क्या वजह क्या है जिंदगी से तंग? अपनी जिंदगी से नफरत, खुद को नफरत हो क्या हुआ है? कोई जैसे मैं पैदा हुई तब से नफरत है। जब मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा करके मुझे अपनी फूफी ताई के पास छोड़ दिया कि इसको पालो बस तब से। अच्छा तो शादी नहीं की? शादी भी माँ बाप की, कोई फूफो की मर्जी से कोई माँ बाप की मर्जी से, मेरी शादी से मैंने अपनी मर्जी एक भी नहीं की जब से मैं। इतनी शादी मर्जी से? एक भी मेरी अम्मी की मर्जी हुई है, एक मेरी फूफो की मर्जी से हुई है। ओ। तो लड़का मरा उसके साथ 5 साल मैंने अपनी मर्जी से निकाले। अच्छा। जो नया ब्रांड है अब वो कुछ मुझे नहीं पढ़ सकता कुछ, मैं बीच में थोड़े से नया ब्रांड उमर बाटे मेरा मियाँ नया ब्रांड नहीं हो ना अब तो दोबारा मैं उसका प्रेशर कर रही हूँ ना उससे सही कर रही हूँ ना थोड़ा 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 सही वो भी थोड़ा थोड़ा खराब हो गया। आइस पीता है? आइस मैंने भी छोड़ दी, उसने भी छोड़ दी। अच्छा तो कौन सा नशा? रिजक का। रिजक के अलावा? उसके अलावा कुछ भी नहीं। इस टाइम तो तुम फुल पाँव पे भी नहीं खड़ा हो। मैं भांग पिया है। अच्छा भांग पीती हो? हाँ वो भी नशा ही है ना? और नशा नहीं है, सब नशों का पीओ है, वो उतार देता है। बूटी की? बूटी कहते हैं? हाँ बूटी सही होती है, वो मकरू है हराम नहीं है, वो सब नशों का तोड़ है उससे हार। ये सा नशा पत्ते हैं? ये पत्ते नहीं है, मुझे खुशबू पसंद है, मैं इनको। बूटी रोजाना कितनी पी? नहीं इतनी सी पीती हूँ, चार दिन उसका असर ही नहीं उतरती है। चार दिन? फिर पूरे पार्क में झूमती रहती? झूमती हूँ ऐसे, सदा भी करती हूँ रुपया दो। इससे पहले कौन सा नशा दे दो बाबा? बूटी से पहले कौन सा नशा? कुछ आइस वाइट का। आइस वाइट का वो छोड़ दिया? वो छोड़ दिया बगैरत करने वाला नशा है, उसके पीछे भागना पड़ता है बहुत भागना, फिर मिलता भी नहीं है। मैंने कहा बूटी तो हर जगह से मिल जाती जहाँ से मर्जी ग्रहण करो, बादाम डालो जो मर्जी डालो। बूटी में क्या क्या डालती है? बूटी में क्या डालती है? सादी बूटी पांग होती है फीकी। कैसे बनाती? और पांग कुट के पानी दे और गुटरी बना के तो तागा लपेड़ के सादे पानी में डोब डोब के असर कढ़ी जाओ कढ़ी जाओ कढ़ी जाओ, ये पत्ती चुचा आती है पक के आपे बूटी तैयार हो जाती है, उन्हें मीठा रंग पाओ या उन एन चलाओ पैन दो पेश होती है बूटी तैयार। हाय हाय पी लें? हाँ नशा कि नहीं दे रहे? नशा चार चार दिन नहीं उतरता, ना भुख लगती है ना टेंशन है ना अपने गलत काम नहीं करती। अज राती में सारी सफाई की है बारिश के बीच पार्क की सफाई कर ऐ सारी शो मैंने नहीं पता मैं की ऐ सारी मैं ही की। पीएचए ले रखा ऐ कपड़े भी मैं राती धो के पाए ने, मैं नहीं पता कितने कितने पे लगे मेरे कैमरे हर चीज होते ने मेरे, मैं आप चोरी करा के चोर फड़ दी उतो दी जाके। और नहीं फड़िया जाता एवं नहीं फड़िया जाता उसी टाइम फड़िया जाने लेकिन इतनी जल्दी चोर नहीं कट्ठे चोरों का सारा को इंटरव्यू दे दिया ना पुरुष सारा और ही फड़े। हाँ तेरे कपड़े करने की अली पार्क के बाहर खड़ के बेच देने ना पाउडर ऐसे आइस ऐसे, क्योंकि मेरे को ज्वेलरी में आइस वाइट रेंज की ज्वेलरी कीमती कीमती चीज़ा लेनी सारा सोना है मेरे को तो होने तो मेरी ग्रहण करने तो मैं अगो इन्होंने ग्रहण कर दिया इन्हें ग्रहण करके पाए हुए
चोरी करके। हाँ अच्छा, सलवार और ग्रैंड ग्रैंड दा ग्रैंड ग्रैंड दा मतलब ग्रैंड दा मतलब ये है कि पूरा ही बंदे जो ग्रैंड कर दो ज्यादातर नशेई है लफ्ज यूज कर देने बंदा सुते दो होवे टेंडर वे छोड़ दो बूढ़ी सुती दियो तो बनेल भी टेंडर वे भी छोड़ दो पूरा सूट है तो सारा को लाके ले गया चोर और हो जी होने ए हो जला ग्रैंड हां ग्रैंड ग्रैंड करता हां तो ब्रांड होंदे जो औरतें भी कपड़े छोड़ दे बूढ़ी भी छोड़ दे सिर्फ जुत्तियां जेब काट के ले जाने बस जुगा मुगा ओंदे ब्रांड। तेरा खावन किधर गया नजर नहीं आ रहा। ओ सुबह दा मेनू रोटी भी नहीं दे रहा सुबह दा मेनू खावन तेरा ख्याल रखदा नहीं मैं तेरे हुकूक पूरे कर और नजरअंदाज कर दे नहीं तेनू नशा वाली है ना बूटी बूटी ले आ के अने खुशी आण वाली दो आण वाले कुड़ी एक मुंडा दूसरा महीना लग गए उतनी मेरा कट्टा उड़ा दे एन गिरवा तो पहले बेचारा चिचड़ पा के अपने आप कुट के सारे बाहर नसानी है पुलिस उन्होंने अंदर लिया पकड़ के लै जाती इतों शुरू होती कहानी अज एंड हो गए अली पाक पाक हो गए पाक जितने तक मैं सफाई की सारा पाक साफ हो गया सारी गर्मी बूटिया इधर आज फुल नशे में दसा फुल बूटी पी भी है इसने आज इसने मेरी जान नहीं छोड़ी अच्छा दरख्त है तो बड़ी अच्छी चीजें ना मैंने बड़ा प्यार कर दी एने मैं जो साफ कर दी है ना ए नुकसान ही ऐ वे इस टाइम फुल नशे में। अच्छा तेरा दिल नहीं करता कि तू पार्क छाड़ के चली जाए इसके ऊपर चढ़ के सोया करना है अब मैं नहीं जाना जब मेरे रास्ते दे उतर चढ़ के सोना दो अंडे देने एक फार्म एक देसी दूसरा महीना लगा हुआ है तभी तो मैंने नशा छोड़ के पानी पीने लगती हूँ यह नजर फीजे की निशानी है जो अंदर कितने गिलास पिए अल्लाह की कसम इतनी सी एक बच्चे को प्यार इतनी सी चढ़ नहीं इतनी सी एक बच्चे को मैंने पिलाई वो मेरी छोटा बच्चा है मेरा बच्चा है हिफाजत करता मेरी इज्जत की पागल से वो कहते मम्मा इधर आ थोड़ी सी और इसने तो नाजरीन चुप करना ही नहीं है तो मैं ही पीछे हट जाता हूँ क्योंकि इसने भंग पी हुई है जो भंग का नशा कर लेता है तो उसको अपना भी नहीं पता होता कि वो कहाँ पर खड़ा है ना तो उसके पाँव के नीचे ज़मीन रहती है वो समझ रहा कि मैं बस उड़ रहा हूँ तो भंग का नशा किया हुआ अल्लाह ताला हर नशे से हर इंसान को बचाए ये भी हमारे माओं बहनों की तरह है तो हमारी तो दवा यही है मेरी तो दवा यही है कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे और नेकी की अजर दे ताकि ये चली जाए यहाँ से पार्क छोड़ के तो मुझे दीजिएगा इजाज़त अल्लाह।